हेलो एवरी वन डू यू नो हाउ टू टेल योर डैले रूटीन क्या आपको अपनी दिनचर्या के बारे में इंग्लिश में बताना आता है ये बहुत ही ईजी भी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है जब हम इंटरव्यू फेस करते हैं तो इंटरव्यू हमारी फ्लुएंसी टेस्ट के लिए हमसे पूछ सकते हैं हमारे डैले रूटीन के बारे में वो क्वेश्चन कर सकते हैं टेल एस अबाउट योर डैले रूटीन आप अपने डैले रूटीन के बारे में बताइए और वो कह सकते हैं टेल एस अबाउट योर डैले राइफ़ आप अपनी डेली लाइफ के बारे में बताइए आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू टेल योर डेली रूटीन आप अपना डेली रूटीन किस प्रकार से बताएं ये बहुत ही ईजी है आपको किसी तीसरे इंसान का तो डेली रूटीन बताना नहीं है आपको अपना डेली रूटीन बताना है आप अपने आप को इंग्लिश में बोलते हैं आय आय के साथ में जो भी काम आप करते हैं उस काम को लगाना है बड़ा ईजी है ना दो ही चीज़ बोलनी आप अपने आप को क्या बोलते हैं आय कोशिश कीजिएगा मेरे साथ बोलने की आप अपने आप को क्या बोलते हैं आय आई नहीं बोलते आई तो आँख होती है आई आई के साथ में जो काम करते हैं वो काम लगाना है एग्जाम्पल के तौर पर मैं पढ़ाता हूँ ये पढ़ाना मेरी दिनचर्या का हिस्सा है ये मेरे रूटीन में है तो मैं कह सकता हूँ आई टीच अगर आप खेलते हैं तो आप कह सकते हैं आई प्ले अगर आप जिम जाते हैं आई क्या काम है जाना गो टू जिम स्टडी करते हैं आई स्टडी कोशिश कीजिएगा मेरे साथ साथ में मैं सोता हूँ आई स्लीप मैं उठता हूँ आय गेटअप इस फॉर्मूले से आई और वो काम आई काम आई काम आई जो भी वो यानी काम करते हैं वो काम आप यहाँ लगा के इस फॉर्मूले से आप भी अपना डेली रूटीन लिख सकते हैं आप मुझे ये पूरा वीडियो देखने के बाद में अपना डाली रूटीन है मुझे कॉमेंट बॉक्स में भेजिएगा मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपना डेली रूटीन है आपको बता देता हूँ जिसकी हेल्प लेकर आप अपना खुद का डेली रूटीन भी बना सकते हैं और अगर इसको बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो कुछ कंजक्शन का यूज़ भी कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट फाइनली समटाइम्स वाइल आफ्टर के बाद में वर्ब की आई एन जी फॉर्म लगाकर बिफोर के बाद में वर्ब की आई एन जी फॉर्म लगाकर कर यूजली जर्नली ऐसे कुछ शब्दों का यूज़ करके आप अपने डेली रूटीन को बेहतर बना सकते हैं आइए मैं आपको अपना जो डैली रूटीन है वो मैं बोल के बता देता हूँ ओके गाइज आई एम गोइंग टू टेल यू माई डेली रूटीन आई यूजली वेकअप एट फाइव ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग इन वीक डेज बट इन वीक एंड आई वेकअप एट सेवन ओ क्लॉक राइट आफ्टर गेटिंग अप आई टेक टू ग्लासेज ऑफ वाटर एंड देन आई आंसर द कॉल ऑफ नेचर देर आफ्टर आई ब्रश माई टीथ आई वॉश माई फेस आफ्टर दैट आई गेट रेडी फॉर जिम आई वॉक टू जिम एट क्वार्टर टू सिक्स there i work out for 45 minutes i get free from gym at half past 6 then i walk to my home after coming home i take a cup of tea while reading newspaper then i take shower while my breakfast is cooking i get ready for office after getting ready for office at 7 o'clock i take my breakfast after taking breakfast i drive to my office it takes me around half an hour to reach office at 7:30 i reach office after coming to office i teach back to back 4 to 5 batches i enjoy teaching and i get free from here around 12 o'clock at 12 o'clock i go to studio and i make videos from there i get free around quarter to 2 at quarter to 2 i take lunch after taking lunch i take siesta I get up at three thirty. After getting up, I take a cup of tea to rejuvenate myself. Then again, I come back to my work. I work till seven o'clock. I leave my office at seven o'clock. I reach home at half past seven. Depends on the traffic. After reaching home, I play with my daughter. At around nine o'clock, I take dinner. वाइल्ड हैविंग डिनर वी कैचअप ऑन आर डे एंड देन वी स्टॉल इन द गार्डन एंड देर आफ्टर आई गो टू बैट दैट्स ऑल फ्रॉम माई डाला रूटीन आप भी अपना डैली रूटीन बनाना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से आप बना सकते हैं और कॉमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना डैली रूटीन लिख के भेज सकते हैं मैं आपकी रूटीन को चेक करूंगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप अपने इंग्लिश को बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो जुड़े रहिए आप मेरे साथ वादा करता हूँ दिन प्रतिदिन आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी थैंक यू सो मच